आज का पैक आपके हेयर को एक नेचुरल कलर देने वाला है। इस पैक का यूज आप नेचुरल हेयर डाई की तरह कर सकते हैं, या आप अपने बालों को अच्छा सा कलर देना चाहते हैं तो भी इस पैक का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है, ये आपके हेयर को सिल्की भी बनाएगा, सॉफ्ट भी बनाएगा और बहुत ही अच्छा शाइन भी लेकर आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इस पैक को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक मीडियम साइज का बीटरूट। आप ट्राई करें कि जो आप बीटरूट ले रहे हैं वो फ्रेश होना चाहिए, उसका आप छिलका उतार लें और उसके बाद इसको छोटे छोटे पीस में कट करके इसमें हाफ ग्लास वाटर ऐड करके इसे बॉयल होने के लिए रख दें। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए, आपको 5 से 10 मिनट तक इसे बॉयल करना है। जब ये 5 से 10 मिनट तक हो जाएगा बॉयल, उसके बाद आपको क्या करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। जब आप गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, उस जो गुड़हल के फूल होते हैं वो जितना आपके पास है 5 है 10 है, वॉश करके उसको यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है जिससे वो ठंडा हो जाए, और जब ये ठंडा हो जाए तो इसको अच्छे से ग्राइंड करना है, काफ़ी अच्छे से ग्राइंड करना है, नहीं तो फिर आप अप्लाई करेंगे तो आपके बालों में रह जाएगा। तो आप अच्छे से जब ग्राइंड कर लेंगे, अगर आपको फिर भी तसल्ली नहीं हो रही है तो आप इसको छान भी सकते हैं, नहीं तो फिर आप वॉश करेंगे तो आपके बालों से इजीली निकल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको हीना, जिस भी ब्रांड का आप हीना यूज करते हैं, आपको यहाँ पे 4 स्पून 2 स्पून अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीना लेना है। और आपका आपको जो ये पेस्ट बनाना है उसमें क्या करना है कि जो वाटर जब आपने बीटरूट को बॉयल किया होगा तो उसका वाटर अगर बचा होगा तो उस वाटर को यहाँ पे ऐड करके एक प्यारा सा पेस्ट बनाना है। बहुत अच्छा कलर आपके बालों में आएगा, बिल्कुल तसल्ली होकर इसका यूज करें। इसके बाद आप अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करेंगे, काफी अच्छे से अप्लाई करेंगे, अपने स्कैल्प में अप्लाई करेंगे, अपने हेयर लेंथ पे अप्लाई करेंगे, और आप इसे 1 से 2 आवर्स के लिए, जितनी देर आप हिना का रखते हैं उतनी देर तक आप इसे रखें, जिससे कि जो बालों पर जिससे कि जो कलर है वो आपके बालों में आ जाए। इसके बाद जब 2 आवर्स हो जाएंगे, उसके बाद आपको नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश करना है। जब आप अपने हेयर को वॉश करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बालों में रह जाएंगे, तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब हेयर आपका ड्राई होगा तो वो आराम से निकल जाएगा। जब आपका हेयर ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको अच्छे से अपने बालों में ऑयल लगाना है। जो भी आप ऑयल यूज करते हैं उस ऑयल को एप्लीकेशन काफी अच्छे से अपने बालों पर करना है, और नेक्स्ट डे आपको हेयर वॉश करना है। इससे बाल भी सिल्की होते हैं और साथ ही जो आपके कलर हैं, हिना का कलर है, वो भी स्ट्रांग होता है। तो आप ये प्रोसेस जरूर करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, आप ट्राई करके देख। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।